हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ मिस्टर शिवम धीमन एंड वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। टुडेज वीडियो इज फॉर क्लास 7 एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द चैप्टर हुज टाइटल इज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल नो दैट द वेरियस पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ आर डेमोक्रेसी इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द लॉ और इज द रूल इज विच अलाउज ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ नेटिव ऑफ अ कंट्री टू कास्ट हिज और हर वोट विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल्सो ग्रांटेड लॉ इन सच नेशंस वेयर मेल्स आर डोमिनेंट और देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ओवर इकोनॉमिक स्टेटस, लाइक इन ग्रेट ब्रिटेन देयर वर द राइट टू वोट और टू कास्ट वॉज ओनली गिवन टू द रिच लैंड ओनर्स, बट आफ्टर दैट देर वॉज अ चेंज आफ्टर द प्रोटेस्ट एंड ऑल द मेल natives of that country were given the right. After that, in other countries like UK, US and New Germany, the female fought for their rights and got the right to cast their vote. Like in 1893 Christ era, women of New Zealand were granted the rights to cast the vote, and USA got the right in 1920 Christ era, and Switzerland got the right to cast their vote in 1971 Christ era. So these countries' ladies or females got their rights as when they thought the need to have the right, and they can express what they desire from a country. Elections यानी कि चुनाव। Elections is the process in which we cast our vote or we select the representative by choosing it through a process whose title is elections. So election वो process है जिसमें हम अपने नेतृत्व करने वाले को चुनते हैं, ठीक है। तो इसके three process हैं इलेक्शन, इसके थ्री पार्ट्स हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन, कास्टिंग वोट्स एंड सीक्रेट बैलेट। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन इज द हेड हु कंडक्ट्स इलेक्शन एंड फॉलोज द प्रॉपर फंक्शनिंग वेयर द इलेक्शन इज टू बी हेल्ड, एंड ही और शी हु इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन। So election commissioner manages all his duties so that election process is conducted very smoothly and without any discrimination or any problem. Casting votes. So how a vote is casted? First of all, the votes were casted by ballot paper, and it takes too much time and many बहुत लोग षड्यंत्र भी करते थे और इसमें धोखाधड़ी के कारण भी वोट कास्ट करने में या मतलब सही चुनाव नहीं हो पाता था। दूसरा था ईवीएम। इसके बाद ईवीएम लाया गया जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा गया, और इसके इसमें ऑटोमेटिकली आप प्रेस करते हैं और आपका वोट जो होता है बटन प्रेस करने के बाद काउंट हो जाता है, और इसको काउंट कर पाना वोटिंग ईजीली होता है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट उन इलेक्शंस में होता है जैसे कि आपके स्कूल में आप जब अपने हेड बॉय या हेड गर्ल का चुनाव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उस पर्सन की स्लिप को एक बैलेट में डालते हैं और बाद में उस बैलेट से वो स्लिप्स को निकाल करके काउंटिंग होती है। बट ई वी एम इज़ वेरी गुड बिकॉज इट सेव 8,000 मीट्रिक टन ऑफ पेपर दैट इज बींग यूज इन द इलेक्शन प्रोसेस। नाउ वॉट इज एन इलेक्शन प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन प्रोसेस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो नामांकन करते हैं। नामांकन करने के बाद उन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह, वो मिलता है, और उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 और 4 और 3 ईयर्स।
ओके एंड इलेक्शन प्रोसेस में 18 साल से सभी के अबव के लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग जैसे सभासद, सांसद, विधायक, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के भी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही गोपनीय, बहुत ही मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी को एक समान बनाता है, जिसमें हम चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा, चाहे वयस्क हो, 18 साल का कॉलेजियन हो, या एक लीडर ही क्यों ना हो, वो भी वोट एक ही लाइन में खड़ा होकर कास्ट करता है। तो इलेक्शन से हम जब वोटिंग करते हैं तो वो एक समान अधिकार होता है। पर इलेक्शन के शुरू होने के कुछ समय पहले ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल दी जाती है, जिसमें कि प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है और किसी प्रकार का मतलब और जाँच की जाती है, और जो पुलिस है उसका कड़ाई से पालन, कुछ नियमों का कड़ाई से पालन कराता है, जिसमें कि ब्राइबिंग ना हो या घूस ना दी जाए और किसी लोगों को लालच ना दी जाए कि वह अगर उस प्रतिनिधि को वोट देंगे तो वो पैसे के लिए वोट दे रहे हों। तो क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन इसका ध्यान रखता है। पॉलिटिकल पार्टीज, एज वी आर गिवन द राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस विच कुड नॉट हार्म द सेंटीमेंट्स ऑफ एनी पर्सन और इंडिविजुअल और राइट्स ऑफ द कंट्री। सो पॉलिटिकल पार्टीज हम बना सकते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब बनती हैं तो उनका, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका मोटिव एक ही होता है, ठीक है, यानी कि सुधार लाना। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपकी हैं वो आपके रीजनल या नेशनल भी हो सकती हैं, जैसे कि आपकी नेशनल में अगर आप मान लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी जो कि एक रीजनल पार्टी है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल है, ठीक है, और डीएमके, एसपी, ये सब रीजनल पार्टीज हैं, बसपा। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, वो एसोसिएशंस जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है फॉर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन अ इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टीज दो तरह की होती हैं, नेशनल और रीजनल। ऑपोजिशन पार्टीज, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी विन करती है और उसकी मेजॉरिटी के कारण उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो उसके अगेंस्ट भी वर्क करती हैं, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान होता है। और हम ये देखते हैं कि बहुमत से जो पार्टी जीतती है उसके ही रिप्रेजेंटेटिव्स कहीं ना कहीं इलेक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं ऑपोजिशन पार्टीज जो भी इलेक्शन कंडक्ट मतलब इलेक्शन में खड़े हुए थे, पर उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स कहीं ना कहीं वे विन करे हैं इलेक्शन में, और वो भी उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं। तो वो उस विन मतलब उस गवर्नमेंट फॉर्म पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको नियम या कानून बनाने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम जानते हैं कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा ओकेशन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं जीत पाती है, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिल करके उस गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और उस राज्य को या उस स्टेट को या उस टेरिटरी को चलाती हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म टाइप की गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि ऑपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट दोनों के, रूलिंग पार्टीज और ऑपोजिशन पार्टीज दोनों के सामंजस्य से, बैलेंस से बनता है। सो दिस वॉज अ चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी दैट आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस एक्सपीरियंस।